अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल जजा नेम ऑफिशियल व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, रमजान और ईद के बाद से मेरी लाइफ कुछ ज़्यादा ही लेजी और बोरिंग हो गई है। साथ में कुछ तबीयत भी ठीक नहीं रही और ईद भी बस ऐसे ही तबीयत के साथ गुजर गई। इस तबीयत की वजह से ही व्लॉग भी नहीं आया, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ अपनी थोड़ी बहुत रूटीन शेयर की जाए। मेरी तबीयत एकदम फ्रेश हो जाती है अपने गार्डन का विज़िट करके। मेरी सुबह होती है अपने इन प्यारे से फ्लावर्स के साथ। तो मैं जब भी उठती हूँ तो उठते ही ब्रेकफास्ट के बाद ब्रेकफास्ट से पहले मेरा सबसे पहला काम होता है कि मुझे बाहर आना और अपने प्लांट्स को देखना होता है। तो कैसे यहाँ पे मेरे साथ की सफाई भी हो रही थी, वॉश कर रही थी, तो उसको भी मैंने किया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने टोमेटो। मेरा किचन गार्डन काइंड ऑफ बना हुआ है थोड़ा सा थोड़े से एरिया पे, और यहाँ पे मेरे फ्रेश टोमेटोज भी हैं जो ग्रो किए हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे से ग्रीन बीन्स हैं और बीच में कुछ रेड भी थे, और ये तीन टोमेटो जो हैं उन्होंने मुझे तोड़ के दिए और मैं बड़ा खुश हुआ। है जी, उसके बाद मैं अंदर आ गई और मैंने बनाया स्ट्रॉबेरी मिंट और लेमन जूस, और ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग जो है वो ड्रिंक है समर्स के लिए। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें, स्ट्रॉबेरी मिंट एंड लेमन, और थोड़ी सी अगर आपको ऐड करनी हो तो ये ऐड करें जनाब। उसके बाद बस थोड़ा बहुत हम लोगों ने टी वी वगैरह देखा, फिर भूख लग गई, रात हो गई इसी तरह, और फिर भूख लग गई। और आपकी बहन को सीधी सीधी दाल रोटी सालन खाना पसंद ही नहीं है, तो जनाब यहाँ पे मैंने बनाए सैंडविच वगैरह। इसके साथ ही यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बना दी चाय, और ये था मेरे हस्बैंड का फर्स्ट बाइट के बाद का रिएक्शन। और यहाँ पे जनाब नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी सेम विद माय प्लांट्स, और यहाँ पे मेरी वेट जो है वो फुल ऑन सफाई वगैरह कर रही थी। और बस उसके बाद मैंने खाना वाना खाया और थोड़ा बहुत रेस्ट किया, और फिर जो है वो नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। और नेक्स्ट डे मौसम बहुत अच्छा था और मुझे जाना था कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए, क्योंकि आपको पता है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और समर्स के जो हैं बहुत अच्छे अच्छे से प्रिंट वगैरह आए हुए थे। और मुझे सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन अच्छी लगी थी वो मुझे लगी थी आइडियाज़ पे गुल अहमद की। तो आप लोग भी विज़िट करें मेरे साथ, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग जो है वो स्टिचिंग के बाद अपनी ड्रेसेस दिखाऊँगी कि मैंने गुल अहमद से कौन से ड्रेसेस लिए थे। तो आप लोग भी इनकी जो है वो कलेक्शन वो देखें, और फिर आप लोग भी सेलेक्ट करें और समर्स की शॉपिंग करें। प्रिंट्स और कलर कॉम्बिनेशंस और फैब्रिक क्वालिटी और एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं और मेरी मामा मोस्टली जो है वो यहीं से शॉपिंग करते हैं। मोस्टली जो है वो गुल अहमद के जो फैब्रिक क्वालिटी है वो अच्छी होती है, लाइक समर्स के लिए इनका स्टॉक बहुत अच्छा है। और यहाँ पे इनकी कलेक्शन भी बहुत अच्छी आई हुई थी, कुछ कलरफुल ड्रेसेस थे, कुछ जो हैं प्रिंटेड थे इनकी कलेक्शन, और इनकी चुनरी कलेक्शन बहुत अच्छी लगी मुझे।
यहाँ पे ही इनकी कुछ जो कलेक्शन थी उस पर कुछ आर्टिकल्स पे डिस्काउंट भी चल रहा था काफ़ी अच्छा खासा, और कुछ पे 50% ऑफ था, कुछ पे 30% ऑफ था। इनमें से भी मैंने कुछ जो है वो ड्रेसेस वगैरह सेलेक्ट किए और बाय किए। चुनरी कलेक्शन बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे। कलर्स पता है चुनरी प्रिंट्स जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं समर्स में, स्पेशली कलरफुल और जो है वो डिफरेंट इनकी डिज़ाइनिंग होती है। और फिर मैंने सोचा कि अब आई तो हूँ तो क्यों ना आइडियाज़ होम का भी विज़िट कर लिया जाए। कुछ अपने लिए तो बाय कर लिया है, क्यों ना अपने रूम के लिए भी समर्स के अकॉर्डिंग कुछ बाय किया जाए। और वहाँ से कुछ बेडशीट्स वगैरह देखी, और फिर ये इनकी जो है वो प्रेगनेंस कलेक्शन थी। प्रेगनेंस के मामले में जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ी हैं, मे बी और मेरे हस्बैंड भी। तो जनाब ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बस थोड़ा बहुत कुछ जो भी था वो सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ। और यहाँ पे हम लोग घर पहुँच चुके थे, घर पहुंच के बस मैं बिज़ी हो गई और आगे जो है कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो को एंड। मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें, और जाते जाते एक प्यारा सा मैसेज देना चाहूँगी। जलोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। मैं बेफिक्र होके सोने लगी हूँ इस व्लॉग को एंड करके। अल्लाह हाफिज़।